आप में से बहुत सारे से लोग जो हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि हमेशा उस इंसान को मुझे याद दिलवाना पड़ता है, हमेशा उस इंसान को मैं ही कॉल करता हूँ, हमेशा उस इंसान को मैं ही अपनी तरफ से याद दिलवाता हूँ। अगर आप चाहते हो किसी इंसान को, चाहते हो कि वो इंसान आपको याद करे, आप चाहते हो कि वो इंसान आपको प्रैक्टिकली याद करे, या फिर उसको भी आपकी नीड हो या फिर उसको भी आपकी ज़रूरत हो, इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। इस वीडियो में हम आपको सब कुछ सच्चाई बताएंगे, या फिर हम साइकोलॉजी थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे, साइकोलॉजी के बारे में कि साइकोलॉजी क्या कहती है, किसी इंसान को कैसे हम अपनी याद दिलवा सकते, या फिर ऐसा क्या कर सकते, रियलिटी बताएंगे कि साइकोलॉजी में रियल में ये चीज़ें होती है। और आपको पता है साइकोलॉजी मतलब इंसान का दिमाग, साइकोलॉजी इंसान के दिमाग के हिसाब से, साइकोलॉजी का मतलब इंसान का दिमाग, जो इंसान के दिमाग में चीज़ें होती है वो साइकोलॉजी में लिखी जाती है, क्या इंसान का दिमाग किस चीज़ पर कैसे रिएक्ट करता है, तो साइकोलॉजी में सारी चीज़ें लिखी जाती है कि वो इंसान आपकी एक्टिविटी पे कैसे रिएक्ट कर रहा है और आपको कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए जिसकी वजह से वो इंसान आपको याद करे, सारी चीज़ें सब कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो सारे टॉपिक साइकोलॉजी के हिसाब से मैं बनाता हूँ। इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, साइकोलॉजी के बारे में कि जब कोई इंसान हमें याद नहीं करता है तो हम कैसे उस इंसान को हमारी याद दिलवा सकते, कैसे उस इंसान को हम फील करवा सकते, इसी के बारे में डिस्कस करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दो, अगर आपको मुझसे वन एंड वन कॉल पर बात करना, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुकिंग के लिए चार्ज लगेगा, जो पहले बता दूँ, कॉलिंग चार्ज डिस्क्रिप्शन में लिखा है, चार्ज को पढ़ लेना। अगर आपको ज़्यादा नहीं ला रही तभी जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने की, आप वीडियो से भी अपना काम चला सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूँ कि जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे या फिर रिलेशनशिप में हो, वो जो इंसान है वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा है, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा पहुँच रहे उस इंसान तक, काफ़ी ज़्यादा रीच कर रहे उस इंसान के पास। मतलब मान लो अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, उस इंसान को आपने कॉल नहीं किया, उस इंसान को आपने मैसेज नहीं किया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आप तीसरे दिन आप ही कॉल करो, आप ही मैसेज करो, वेट करो इंसान कॉल कर रहा है या नहीं, वेट करो उस इंसान को आपकी कितनी ज़रूरत है। वेट का मतलब ये नहीं कि बैठे बैठे हाँ उसका कॉल आएगा, उसका कॉल आएगा, उसका मैसेज, ऐसे वेट नहीं। वेट का मतलब होता है लाइफ में बिजी रहना, हमें उस चीज़ पर फोकस ही नहीं करना है कि उसको कॉल करना है, उसको मैसेज करना। अरे ये भी तो देखो उस इंसान को कितनी नीड है तुम्हारी, हम अपनी तरफ से ये देख ही नहीं पाते उस इंसान को कितनी नीड है, हम खुद उसके पास पहुँच जाते हमेशा, हम खुद उसके पास चले जाते हमेशा कि हाँ ये ले मैंने तेरे को कॉल किया, मेरे को तेरी जरूरत है, या फिर हमें ये जो चीज़ें नॉर्मल लगती है, बहुत सारे लोग जो ना नॉर्मल ही यार ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, हमने कॉल कर दिया, उसने क्या क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन ये चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। इन चीज़ों से सामने वाले की नज़र में हमारी जो वैल्यू ग्रांटेड हो जाती है, इंसान हमें ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देता है। वो याद तो दूर की बात है, वो इंसान ये समस्या ये करेगा ही ना, ये कॉल करेगी ना, ये कॉल करेगा ही ना, क्यों, क्योंकि हमने उस इंसान को आदत डाल के रखी है। हम सुबह में 10 बजे कॉल करेंगे, शाम को 6 बजे करेंगे, रात को 9 बजे करेंगे, हमने उस इंसान को आदत डाल के रखी, हमने उस इंसान को ये सारी चीज़ों की एक ऐसी आदत लगा दी कि उस इंसान को पता है कि कुछ भी हो जाए, सुबह से शाम हो या कुछ भी हो, इंसान मेरे को कॉल करेगा ही, नहीं किया तो कोई चीज़ों में फंस गया होगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन करेगा, ये उसको पता है। हम अपनी तरफ से जब तक उसको ये शो नहीं करेंगे कि भाई तेरे ऊपर हम डिपेंड नहीं है, बहन तेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, हमारी भी कोई लाइफ है, हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है, हम भी उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर उन चीज़ों को भी हम इंपॉर्टेंस। अगर आप एक ऐसे इंसान बन चुके हैं जिसमें आपने सिर्फ उस इंसान को सोच रहे हो, उस इंसान के बारे में 24 घंटे आपके थॉट्स है, आपके माँ बाप, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपका काम, सारी चीज़ें, स्कूल, स्टडीज, अगर आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपका सिर्फ एक प्रायोरिटी बन चुका वही इंसान, तो आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देगी सारी चीज़ें। अगर किसी इंसान को याद दिलवानी तो आपको इसके साथ, एक रिलेशनशिप के साथ आपको एक अच्छा बेटा बनना पड़ेगा, मतलब अपने माँ बाप का एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा, आपको अपने जॉब के लिए या फिर अपने बिजनेस के लिए सीरियस होना पड़ेगा, एक अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा अगर आप पढ़ाई करते, सारी चीज़ों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसी सोच लेके चलते हो कि नहीं यार मेरे को तो उसको याद ही दिलवानी, तो फिर नहीं हो सकता, वो इंसान आपको तभी याद करेगा। कोई भी इंसान उसी को याद करता है हमेशा, किस चीज़ को याद की जाती है, किस चीज़ को याद किया जाता है, उस चीज़ को याद किया जाता है जिसकी इंपॉर्टेंस है। अगर मान लो मैंने, लोग किसको याद करते हैं, यार वो इंसान कितना अच्छा था, वो ऐसा था, क्यों, क्योंकि उस इंसान ने वैसे क्वालिटी काम किए, उसे उसके अंदर वो क्वालिटीज़ है, इसलिए लोग उसको याद कर रहे हैं। आप उस इंसान को क्यों याद करते हो, बिकॉज ऑफ कि वो आपको वैल्यू नहीं देता, बिकॉज ऑफ कि उसके अंदर एटीट्यूड, उसके अंदर वो जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड की वजह से आप पागल बन चुके, तो वो एटीट्यूड आपके अंदर क्यों नहीं आ सकता, आप क्यों उसको एटीट्यूड नहीं दिखा सकते, आप क्यों उसको सारी चीज़ें नहीं शो कर सकते कि हम भी बिजी है, हम भी काम में, हम अभी नहीं बात कर पाएंगे, हम कल कर पाएंगे, कल नहीं कर पाएंगे, तुम करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ करना कब बंद करेंगे, जब तक ये कॉम्प्रोमाइज़, जब तक अपनी तरफ से सारी चीज़ें नहीं बंद होगी,
तब तक सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं करेगा, तब तक सामने वाला इन चीज़ों को नहीं समझेगा। हमें उसको ये तो दिखाना पड़ेगा ना, तेरे बिना भी खुश है, तेरे बिना भी रह सकते, ये शो करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। सिंपल सी चीज़ें, लोगों को उतनी वैल्यू दो जितना वो डिजर्व कर रहे हैं, हद से ज़्यादा मत दो ना। अरे सिंपल सी चीज़ें, अगर किसी इंसान को याद दिलवानी तो उसको याद दिलवाने के लिए पहले खुद के अंदर जो पॉजिटिवनेस है, खुद के अंदर जो अपने पॉजिटिवनेस क्रिएट करके रखिए, उसके लिए वो खत्म कर दो। उस पॉजिटिवनेस की वजह से आप आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करो, उस पॉजिटिवनेस की वजह से सब कुछ हो रहा है। हमें ये शो करना है कि भाई हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको सच में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उस इंसान को तब फ़र्क पड़ेगा जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। आपकी तरफ से यार मेरे को तो दिक्कत होती है, मेरे को तो तकलीफ होती है, मेरे को तो रोना आता है, इस रोने को, इस तकलीफ को आपको कंट्रोल करना होगा। जितना रोगे उतना लोगों की नज़रों में गिरोगे, जितना शो करोगे कि यार तू कॉल क्यों नहीं करता, तू मैसेज क्यों नहीं करता, तू ऐसा ही करता, तू ऐसा ही है, तू ये है वो है, इन चीज़ों से आपकी वैल्यू गिरेगी, आप उसकी नज़र में गिरोगे, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस इंसान को कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी लाइफ में मस्त इंजॉय कर, अपनी लाइफ में खुश रहेगा। तुम उसको ऐसे कर करके तुम अपनी वैल्यू गिरा रहे उसकी नज़रों में, वो याद कैसे करेगा वो इंसान? उसको याद तब आएगी जब आपकी तरफ से रीच कम होगी। हमेशा हम उसके लिए अवेलेबल है, सुबह में कॉल कर रहे, शाम को कर रहे, दोपहर में कर रहे, कब वो याद करेगा? उसको याद करने का मौका तो दो। वो इंसान आपको तब याद करेगा जब आप उसके पास नहीं रहोगे। सिंपल सी चीज़, हम उस इंसान के पास अवेलेबल नहीं रहेंगे तभी तो याद करेगा ना। साइकोलॉजी भी यही कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है कि जब किसी इंसान को हम मौका देंगे याद करने का तो वो याद करेगा। पहले सबसे बड़ा रीज़न कि आप मौका दो, फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है कि याद कैसे करेगा? याद वो तब करेगा जब हम डेली उससे बात करें, सुबह कर रहे, शाम कर रहे, स्टार्ट से कर रहे, जैसे हमने स्टार्टिंग में उसको आदत लगवा दी, बहुत ज़्यादा कॉल किए, सब कुछ किया, आपने कर दिया वो सारी चीज़ें, नहीं कि तो कर दो, उसको आदत लगवा दो आपकी, उसके बाद उस आदत को छोड़ना पड़ेगा आपको। कैसे? आपको ये शो करना कि आप जो हम कॉल मैसेज करते तो कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, हम अपनी तरफ से उसको कॉल मैसेज नहीं करेंगे, अपनी तरफ से इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, तो उसको क्या लगेगा कि यार इंसान मेरे से दूर जा रहा है क्या? उसको एक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगेगा, तो कोशिश करेगा आपसे बात करने का, या फिर वो ट्राई करेगा आपसे ज़्यादा रीच करने का, तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा। जैसे रीच करेगा तो हम थोड़ा सा अपनी तरफ से उसको इंपॉर्टेंस कम देंगे, अपनी तरफ से थोड़ा वैल्यू उसको कम देंगे, तो उस इंसान को और ज़्यादा लगेगा कि यार ये दूर क्यों जा रहा है, वो लड़ेगा या फिर वो ज़्यादा कोशिश करेगा। जितना इंसान से दूर जाएगा उतना वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, जितना उस इंसान से दूर जाएगा उतना आपको पकड़ने की कोशिश। जैसे हमारे हाथ से कोई चीज़ छूटी ना तो हम उसको पकड़ते, पहले हम ऐसे रहते हैं, वो चीज़ हमारे पास है ना ऐसे, लेकिन जब वो चीज़ ऐसे खोल के छूटती ना तब हम उसको पकड़ते हैं। तो वैसे होता है, जब इंसान की लाइफ से जाने की कोशिश करोगे, जब उसको ये शो करोगे, मतलब बोलना नहीं, लोग बहुत सारे लोग बोल जाते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, खाली शो करना है। उस इंसान की लाइफ से दूर जाओगे, उसको थोड़ा रीच करना कम करोगे, उससे बात करने कम करोगे, जब उसके पास नहीं रहोगे तभी तो याद करेगा। याद करने का मौका दो, सिंपल से चीज़ें, याद करने का मौका दो, लोग आपको अपने आप याद करेंगे। लोगों को बोल के याद नहीं, मेरे को याद कर लेना, मेरे को कॉल कर लेना, मेरे को मैसेज कर लेना, इससे आपकी वैल्यू गिरेगी, इससे याद नहीं होगा। याद करवाने के लिए उसकी लाइफ से दूर जाओ, उसको थोड़ा मौका दो, उसको थोड़ा सा मिस तो होना चाहिए कि यार हाँ मैंने आज कुछ मिस किया, यहाँ इसका कॉल नहीं आया, तो वो खुद आपको कॉल करने का सोचो, और कर रहा है तो आपको उठाना नहीं है, आपको थोड़ा सा कम, उससे 10 कॉल 2 कॉल आ रहे हैं तो तीसरा कॉल उठाओ, अरे यार मैं थोड़ा बिजी था, आई एम सॉरी, और अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में, तो इससे करते करते 1-2 दिन 3-4 दिन ऐसे करो ना, बीच में एक दिन बात कर लो, तीसरे दिन ऐसा, हर 2 दिन के बाद ऐसा, तो उससे क्या लगेगा कि यार ये इंसान दूर क्यों जा रहा, फिर वो थोड़ा आपके लिए सीरियस होगा। अदरवाइज ऐसे चलता रहेगा, आप कॉल कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, एक दिन आपके पिछड़े पर लात मार के आपको भगा देगा, याद तो दूर की बात है, आपको भगा देगा। ये सिंपल सी चीज़ ये होने वाला है, ये सच्चाई है, ठीक है। आई होप कि आप मेरे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, अगर समझ गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।